हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे एलआईसी के दो टर्म प्लान, एक तो 16 अप्रैल 2021 को जो लॉन्च हुआ सरल जीवन बीमा टेबल नंबर 859, दूसरा जीवन अमर। ये दोनों ही पॉलिसी को मैं कंपेयर किया है यहाँ पे। इन दोनों ही पॉलिसी का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अलग से भी देख सकते हैं। इसमें मैंने कोशिश किया है कि दोनों ही प्लान का मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आपको लास्ट में एग्जांपल के साथ में दो दो एग्जांपल दिया है। इससे आप देख लेंगे, इससे आप समझ लेंगे कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है, प्रीमियम वाइज या बेनिफिट वाइज। फ्रेंड्स, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। सरल जीवन बीमा में आप देखेंगे मिनिमम एंट्री एज तो 18 साल लास्ट बटे यानी 18 साल कम्प्लीट होना चाहिए, और जीवन अमर में देखेंगे तो यहाँ पे भी मिनिमम एज एट एंट्री है 18 इयर्स लास्ट पर डे। सरल जीवन बीमा में देखेंगे मैक्सिमम एंट्री एज 65 इयर्स है, और जीवन अमर में भी आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री एज 65 इयर्स है। सरल जीवन बीमा में आप मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करेंगे तो 70 इयर्स लास्ट पर डे है, 70 इयर्स मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है, और जीवन अमर में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 80 इयर्स लास्ट पर डे। सम एश्योर्ड की बात करेंगे सरल जीवन बीमा में तो यहाँ पे 5 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख से लेके 25 लाख तक का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं 50,000 के मल्टीपल में, जैसे 5 लाख 50,000, 6 लाख, 6 लाख 50,000, इस तरह से आप 25 लाख तक का सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं जीवन सरल जीवन बीमा में। जीवन अमर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम 25 लाख से स्टार्ट होती है पॉलिसी, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख के मल्टीपल से ले सकते हैं सम एश्योर्ड, यदि 40 लाख के नीचे का सम एश्योर्ड अगर आप चूज करते हैं तो, और यदि आप सम एश्योर्ड 40 लाख एंड अबव का चूज करते हैं तो 10 लाख के मल्टीपल से आपको पॉलिसी मिलेगी। सरल जीवन बीमा में पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो 5 साल से लेकर 40 साल तक का टर्म आपको मिलता है। जीवन अमर में आपको पॉलिसी टर्म मिलेगा 10 से लेकर 40 साल तक का पॉलिसी टर्म यहाँ पर आपको मिलता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करेंगे सरल जीवन बीमा में तो यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म, यानी जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म है उतना आपको उतने साल तक आपको प्रीमियम भरना है। सेम जीवन अमर में भी है, यहाँ पे भी रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म में इक्वल टू पॉलिसी टर्म है। सरल जीवन बीमा में आप देखेंगे लिमिटेड प्रीमियम में तो आपको 5 साल और 10 साल का 2 टर्म मिलता है, और जीवन अमर में देखेंगे तो आपको टर्म -5 यानी अगर आप टर्म 40 इयर्स का चूज़ करते हैं तो -5 करेंगे तो 35 इयर्स तक आपको प्रीमियम भरना है। इसी तरीके से टर्म -10 यानी अगर आप 40 इयर्स का टर्म लेते हैं तो -10 करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 इयर्स आपको प्रीमियम यहाँ पे भरना है। सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो सिंगल प्रीमियम सरल जीवन बीमा में भी उपलब्ध है और जीवन अमर में भी उपलब्ध है, दोनों में, यानी वन टाइम आप लमसम प्रीमियम भर के आप पॉलिसी ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड की बात करेंगे तो सरल जीवन बीमा में 45 डेज का वेटिंग पीरियड है और जीवन अमर में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। सरल जीवन बीमा पॉलिसी आप दोनों ही तरीके से खरीद सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जीवन अमर आपको सिर्फ ऑफलाइन ही यहाँ पर विकल्प दिया जाता है, आपको पॉलिसी लेनी है तो आप ऑफलाइन ही ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड में देखेंगे सरल जीवन बीमा में तो यहाँ पे आपको सिंगल, मंथली, हाफ ईयरली एंड ईयरली चारों ऑप्शन दिया जाता है, और जीवन अमर में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल, हाफ ईयरली और ईयरली 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करेंगे सरल जीवन बीमा में तो यहाँ पे आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है मंथली ऑप्शन के लिए, और 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है आपको हाफ ईयरली एंड ईयरली के लिए। जीवन अमर में ग्रेस पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है हाफ ईयरली एंड ईयरली के लिए। मेच्योरिटी की बात करेंगे सरल जीवन बीमा में तो यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं मिलती है, और जीवन अमर में मेच्योरिटी नहीं मिलती है क्योंकि ये प्योर टर्म पॉलिसी है। लोन की बात करेंगे तो दोनों ही पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेड अप वैल्यू की बात करेंगे तो सरल जीवन बीमा में पेड अप वैल्यू नील है, जीवन अमर में भी पेड अप वैल्यू नील है। राइडर्स की बात करेंगे तो सरल जीवन बीमा में राइडर कोई राइडर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जीवन अमर में आपको राइडर मिलती है, यहाँ पर एक्सीडेंटल बेनिफिट की राइडर आपको मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके आप एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर ले सकते हैं।
सरल जीवन बीमा में सम एश्योर्ड ऑप्शन में देखेंगे आपको, तो यहाँ पे एक ही टाइप का सम एश्योर्ड मिलता है, यानी लेवल सम एश्योर्ड। यह सम एश्योर्ड आपका थ्रू आउट पॉलिसीज टर्म तक सेम रहने वाला है। जीवन अमर में सम एश्योर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप का आपको ऑप्शन दिया जाता है। एक है लेवल सम एश्योर्ड है, जो कि आपका फिक्स सम एश्योर्ड यानी एक्चुअल सम एश्योर्ड रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। और दूसरा ऑप्शन में आपको मिलता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी एक साल से लेके पाँच साल तक आपका सम एश्योर्ड सेम रहने वाला है। सिक्स ईयर से लेके 15th पॉलिसी ईयर तक आपका सम एश्योर्ड 10% एवरी ईयर बढ़ते जाता है, यानी 15th पॉलिसी ईयर पहुँचते पहुँचते आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाता है। तो आपको ये इस तरह का यहाँ पे दो टाइप का सम एश्योर्ड आपको मिलता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने की। जीवन अमर में आप देखेंगे तो आपको ये सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती है। और जीवन अमर में आप देखेंगे तो डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए आपको यहाँ पे विकल्प मिलता है। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के पीरियड में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इसके आधार पर आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल स्कीम की। सरल जीवन बीमा में ये भी पॉलिसी नॉन मेडिकल स्कीम में नहीं है, और जीवन अमर पॉलिसी भी ये भी नॉन मेडिकल स्कीम में नहीं है। टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो जो भी आप प्रीमियम भरेंगे अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और डेथ बेनिफिट अंडर सेक्शन 10D के हिसाब से टैक्स फ्री रहेगा जो भी डेथ बेनिफिट मिलता है, और ये दोनों ही पॉलिसी में अप्लीकेबल होता है। अब यहाँ बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। सरल जीवन पॉलिसी में, जीवन अमर पॉलिसी में यदि पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो दोनों ही पॉलिसी में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो यहाँ पे दोनों में ही इमीडिएट होता है, लेकिन सरल जीवन बीमा में एक फार्मूला है उसके अनुसार आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है। जैसे 70% इंटू सिंगल प्रीमियम पेड इंटू UPT, UPT मीन्स होता है अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। इसके आधार पे, इस फार्मूले के आधार पे जो भी आपका अमाउंट बनता है एज अ सरेंडर वैल्यू आपको दे दिया जाता है। लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी यदि है तो उस कंडीशन में 70% इंटू टोटल प्रीमियम पेड इंटू UPT डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म, इसके आधार पे आपको जो भी सरेंडर वैल्यू होता है वो आपको दे दिया जाता है। लेकिन 2 साल लगातार प्रीमियम भरने के बाद ये अप्लीकेबल होगा। जीवन अमर में बात करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन है। 2 साल आपका प्रीमियम लगातार भरा होना चाहिए। यदि आपका प्रीमियम पेइंग टर्म लेस देन 10 ईयर्स है। दूसरे कंडीशन में यदि आपका प्रीमियम पेइंग टर्म मोर देन या इक्वल टू 10 ईयर्स है तो 3 साल कंटिन्यू आपकी पॉलिसी भरी होनी चाहिए। इसके आधार पे आपका जो भी सरेंडर वैल्यू होता है वो एज ए सरेंडर वैल्यू दे दिया जाता है। इन केस ऑफ डेथ, सरल जीवन में ऑप्शन ए रेगुलर प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम में देखेंगे तो 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड और 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वो सरल जीवन में मिल जाता है। जीवन अमर की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड और एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड, इन तीनों में से जो भी हायर रहेगा वो जीवन अमर की पॉलिसी में एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाता है। करते हैं ऑप्शन डी फॉर सिंगल प्रीमियम में। सरल जीवन बीमा में देखेंगे तो 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम और 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वो मिल जाता है। जीवन अमर में देखेंगे तो 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम या एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वो जीवन अमर की पॉलिसी में एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे दो कैटेगरी मैंने लिया है, एक नॉन स्मोकर का और एक स्मोकर का। तो पहले नॉन स्मोकर में देखते हैं, एज 25 ईयर्स का लिया हुआ है, पॉलिसी टर्म 40 साल है और सम एश्योर्ड 25 लाख है। और प्रीमियम पेइंग टर्म में रेगुलर में आप देखेंगे सरल जीवन में तो ईयरली प्रीमियम आता है 15,635 रुपये, और जीवन अमर में देखेंगे रेगुलर में तो 4,986 रुपये आता है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्रीमियम का गैप है। अब सिंगल प्रीमियम में देखेंगे तो आपको सरल जीवन बीमा में देखेगा
2,11,014 रुपये ये आपका सिंगल प्रीमियम बैठता है, वन टाइम भरना है आपको। और जीवन अमर में देखेंगे तो 73,573 रुपये ये आपको वन टाइम प्रीमियम भरना है। तो यहाँ पे भी प्रीमियम का बहुत बड़ा गैप दिखता है। अब लिमिटेड प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल लेते हैं यदि आप, तो ईयरली प्रीमियम आएगा 49,796 रुपये, ये आपका ईयरली प्रीमियम बैठेगा, 5 साल तक भरना है। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है, तो इसके लिए ईयरली प्रीमियम आ रहा है 29,205 रुपये। वहीं पे जीवन अमर की बात करेंगे तो यहाँ पे पीपीटी यानी टर्म माइनस 5 करेंगे तो टर्म कितना है 40 ईयर्स लिया हुआ है, माइनस 5 करेंगे तो 35 ईयर्स यानी पीपीटी आपका हो गया यहाँ पे 35 साल की पीपीटी में आपको 5,163 रुपये प्रीमियम भरने के लिए आता है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे पीपीटी टर्म माइनस 10 करेंगे यानी टर्म कितना है 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स माइनस 10 करेंगे तो 30 ईयर्स की पीपीटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ईयरली प्रीमियम आएगा 5,399 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको काफ़ी प्रीमियम का गैप मिलता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे एग्जांपल सेम मैंने लिया है, एज 25 ईयर्स, पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स, सम एश्योर्ड 25 लाख, कैटेगरी यहाँ पे है स्मोकर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर में तो सरल जीवन में आपका प्रीमियम सेम है, जीवन अमर में प्रीमियम थोड़ा बड़ा है यानी 6,903 रुपये हुआ है। सिंगल प्रीमियम सरल जीवन में आपका प्रीमियम सेम है और जीवन अमर में प्रीमियम बढ़ा है 1,01,097 रुपये है। वहीं पे सरल जीवन में सरल जीवन का सभी प्रीमियम सेम है, जीवन अमर में आप देखेंगे लिमिटेड प्रीमियम में तो यहाँ पे 35 साल का जो आपका पीपीटी है तो 7,139 रुपये है। और सेकेंड ऑप्शन में जो पीपीटी है 30 साल का वहाँ पे देखेंगे तो 7,464 रुपये का प्रीमियम बढ़ा है। ये स्मोकर रेट है, इसमें थोड़ा सा प्रीमियम जीवन अमर में बढ़ा है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो सरल जीवन के अपेक्षा जीवन अमर में प्रीमियम काफ़ी कम है। इसलिए यदि आपको पॉलिसी लेना है तो 25 लाख एंड एबो के लिए तो आप जीवन अमर जरूर चूज कर सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। और यदि आप 25 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड चाहते हैं, 25 लाख से कम की पॉलिसी चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए सरल जीवन बीमा एक बेहतर विकल्प होता है। जो भी आपको इसमें से चूज करना है आप अपनी आवश्यकता से चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।